अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो 15 का लाइनअप पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और पाकिस्तान में उसकी क्या प्राइस होने वाली है, स्पेशली बात करें अगर 15 के लाइनअप के लिए तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाला है क्योंकि हमें उसमें डायनेमिक आइलैंड भी मिल गया, 48 मेगापिक्सल कैमरा भी मिल गया, टाइप सी पोर्ट भी मिल गया और एक कम्प्लीट पैकेज जो हर बंदा 14 प्रो मैक्स के लिए जा रहा होता था अब उसको 15 के नॉन प्रो मॉडल्स में भी ये सारी चीज़ें मिल गई, तो एक अफोर्डेबिलिटी के लिए आसान हो गया एक तो। लेकिन थोड़ी बात करते हैं कि क्या फीचर्स निकल कर आए 15 के लाइनअप में और लॉन्च इवेंट में जो सीरीज 9 और वॉच अल्ट्रा 2 लॉन्च हुई है उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है और एंड में बात करेंगे कि आईफोन 15 प्रो मैक्स और कितना भी जो लाइनअप है उसकी पाकिस्तान में टुडे क्या प्राइस होने वाली है और आपको इनिशियल क्या मिलेगा और आगे जाके थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो लॉन्च इवेंट में सबसे पहले 15 और 15 प्लस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब 15 और 15 प्लस में जो मेजर चेंजेस हैं वो यही है कि उसमें डायनेमिक आइलैंड आपको मिलता है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जिससे आप पोर्ट्रेट को इवन ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। एप्पल ने उसको नाम दिया नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट। अगर प्रोसेसर की बात करें तो पिछले साल वाला A16 बायोनिक प्रोसेसर है जो कि 14 प्रो मैक्स के लाइनअप में यूज़ हुआ था लेकिन कभी पावर इफिशियंट है आज के टाइम में भी 95% मार्केट से ज़्यादा पावरफुल वो चिप है। सबसे बड़ी बात USB टाइप सी इस साल फाइनली आ गया, हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे और ना कि सिर्फ आईफोन 15 के लाइनअप में आया है बट एप्पल ने एयरपॉड्स प्रो 2 में भी उसको लाइटनिंग केबल से चेंज कर USB टाइप सी पे कन्वर्ट कर दिया है जिसकी मदद से आपको जो चार्जिंग स्पीड है वो एक तो मैक्सिमाइज होगी और जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। एंड फाइनली 15 के लाइनअप में कुछ नए कलर्स देखने को मिला है। आईफोन 15 के लाइनअप में जो आपको कलर मिलते हैं वो है पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक। अब 15 प्रो मैक्स को देखा जाए और 15 प्रो के बारे में बात की जाए तो उसमें इतने ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होंगे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेजर चेंज होंगे लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है वो A70 प्रो चिप है जहाँ पर आपको जो प्रोसेसिंग लेवल है वो एक नेक्स्ट जनरेशन देखने को मिलेगा। अभी तक का सबसे ज़्यादा फास्टर प्रोसेसर पूरे मोबाइल मार्केट में यही है। अब इसमें गेमिंग की बात करें तो एप्पल ने अपने लॉन्च इवेंट में गेमिंग में बड़ा फोकस किया था, यहाँ पर आप गेमिंग में जो फ्रेम रेट्स हैं और जो स्मूथनेस है वो आप और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में आपको वही वाला कैमरा मिलता है जो 14 प्रो मैक्स में था 48 मेगापिक्सल का, बट यहाँ पर जो जूमिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ा दी गई है जहाँ पर आप देख सकते हैं आप 24, 28, 35 मिलीमीटर तक आप अपनी लेंथ के मुताबिक पूरा जूम कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को अपने मुताबिक करीब ला सकते हैं। 5x टेलीफोटो जूम कर सकते हैं और एक बात जो हम रूमर्स में काफ़ी देख रहे थे कि एप्पल टाइटेनियम फिनिश के साथ आएगा तो आईफोन सिर्फ 15 प्रो और प्रो मैक्स में आपको टाइटेनियम फिनिश देखने को मिलती है। अभी थोड़ा ज़्यादा लाइट हो जाएगा, अब बेहतर हो जाएगा, इसके जो फिंगरप्रिंट का मसला आता था 14 प्रो के लाइनअप में वो भी नहीं होगा, ये फिंगरप्रिंट इतना ज़्यादा कैच नहीं करेगा लेकिन जो पीछे कर्व थोड़ा सा है अब वहाँ पर ये 14 प्रो मैक्स का जो प्रीमियमनेस है उसको थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करता है या उससे कम करता है ये थोड़ा सा डाउट है, वो जब फोन हैंड्स ऑन होगा अनबॉक्सिंग होगी तभी मैं बता पाऊंगा लेकिन दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 15 प्रो मैक्स के लाइनअप में आपको एक्शन बटन मिलता है जो कि हम लीक्स के बारे में बात कर रहे थे कि एक्शन बटन आने वाला है, अब वहाँ पर जो एक ज़माने से रिंगर चला आता था वहाँ को रिप्लेस करके एक्शन बटन ला दिया गया है। अब वहाँ से आप डिफरेंट चीज़ कर सकते हैं, चाहे एक टैप पर कैमरा खोलना हो, वॉइस मेमो खोलना हो या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टास्क जो आके आप एक बटन के फासले पर रखना चाहते हैं आप एक्शन बटन में कस्टमाइज कर सकेंगे। लास्ट फीचर जो आपको मिलता है 15 प्रो मैक्स के लाइनअप में वो है स्पेशल वीडियो। अब फोन के आपके जो दो कैमरास है वो एक साथ वर्क करेंगे और एक 3D वीडियो को क्रिएट करेंगे जो कि आप एप्पल विजन प्रो में सीमलेस देख पाएंगे और आपको ऐसा फील आएगा कि आप उसी स्पॉट पे मौजूद हैं। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि ये VR जो सस्ते मार्केट में आते हैं 8,000-10,000 उसमें भी वर्क करेगा या सिर्फ एप्पल विजन प्रो पे वर्क करेगा ताकि हम इसे टेस्ट आउट कर पाएं, क्योंकि अगर एप्पल विजन प्रो की प्राइस की बात करूं तो पाकिस्तानी अराउंड 10 लाख रुपए बनती है जब वो लॉन्च होगा, लेकिन देखते हैं ये आम VR पे वर्क करता है या नहीं। 15 प्रो के कलर की बात करें तो 4 कलर लॉन्च हुए हैं जो है ब्लैक, वाइट, टाइटेनियम और ब्लू। इस लॉन्च इवेंट में वॉच 9 सीरीज को भी इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसका सबसे कूल फीचर डुअल टैप करना अपनी फिंगर से और इसका जो S9 चिप है प्रोसेसर या आपकी फिंगर्स के न्यूरल चिप लगा हुआ है जो कि आपकी फिंगर्स की मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेता है और इससे आप मल्टीपल टास्क कर पाएंगे, जैसा कि अगर आप कहीं पर बिजी हैं और आपका एक हाथ मसरूफ है तो आप सिंगल हैंड से ही टैप करके अपनी कॉलिंग को और अपने सारे पर्टिकुलर टास्क को घड़ी में परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर है जो कि डेली बेसिस पर ज़रूर काम आने वाला है। वैसे अगर बात करूँ सीरीज 9 वॉच की जो प्री ऑर्डर पाकिस्तान में वो तकरीबन 1,85,000
88,000 से चल रहे हैं। ये रिड्यूस होके कम तो होंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त प्री ऑर्डरिंग और इनिशियल प्राइस यही है। वॉच अल्ट्रा का सेकेंड पार्ट भी आ गया, यानी कि वॉच अल्ट्रा 2, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको जो फंक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा इन्हेंस नहीं मिलते। वॉच अल्ट्रा अपने आप में बहुत ही बेहतरीन वॉच थी $1,000 की, लेकिन वॉच अल्ट्रा 2 एक तो प्राइस में कम है, और इसके साथ जो फीचर्स हैं वो थोड़े से अपग्रेड कर दिए गए, बैटरी लाइफ को बढ़ा दिया गया है, स्क्रीन जो है 3000 निट्स तक जा सकती है, आपको टैप टैप फीचर भी मिलता है, प्रोसेसर S10 सिप लगा दिया गया है, साइकिलिंग फीचर को इंक्लूड कर दिया गया है, GPS बेहतर बनाए हैं, और आप अंडर वाटर उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ कर पाएंगे। तो फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करूँ, और पाकिस्तान में प्राइसिंग बड़ा एक हॉट टॉपिक रहता है, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ डॉलर का मुकाबला नहीं करना होता, हमें PTA का टैक्स भी भरना पड़ता है अगर हमें सिम चलानी है। तो पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि अभी प्री ऑर्डर स्टार्ट नहीं हुए हैं और डिलीवरी भी सितंबर 22 को आने वाली है, तो अभी आप प्री ऑर्डरिंग में या अभी आज के टाइम पे क्या प्राइस देखने को मिलते हैं। बाय द वे, आईफोन 15 जो है वो $800 का लॉन्च हुआ है, आईफोन 15 प्लस $900 का लॉन्च हुआ है, आईफोन 15 प्रो $1,000 का लॉन्च हुआ है, और आईफोन 15 प्रो मैक्स $1,200 का लॉन्च हुआ है। और अगर हम लोग देखें आईफोन 15 प्रो मैक्स, जो कि इनिशियल 256 GB वेरिएंट में आता है $1,200 का, लेकिन ये जो प्राइस टैग है वो नॉन PTA में लॉन्च हुआ है, ये तो आप डॉलर सीधा कन्वर्जन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो ब्लैक में बिकेगा, उसके बाद जो उसमें कस्टम ड्यूटीज लगेंगी, और उसके बाद जो PTA टैक्स लगेगा, तो तकरीबन PTA प्रो अगर 14 प्रो मैक्स 256 GB की अभी टुडे की बात करूं, तो वो तकरीबन आपको मिलेगा 6.5-7 लाख रुपए में प्री ऑर्डरिंग में। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। मेरे बहुत सारे दोस्त इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछते हैं कि यार 14 प्रो मैक्स सेल करके 15 प्रो मैक्स लेना है और इनिशियल रेट पे लेना है, यानी कि स्टार्ट के दिन में रहना है, तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और संभल नहीं रहा तो आप जा सकते हैं, लेकिन अभी लेना बेवकूफ़ी है। एक तो ब्लैक मार्केट ऊपर है, इतनी डिमांड ज़्यादा होगी और इतने यूनिट अवेलेबल नहीं होंगे, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, रेट ऊपर जाने ही वाले हैं। तो अभी अगर प्री ऑर्डरिंग की बात करें, तो अभी तक पाकिस्तान में देखा जाए तो कुछ ही लोग ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि प्री ऑर्डरिंग फ्राइडे से शुरू होनी है और 22 दिसंबर को डिलीवर होना है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 24-25 में हमें यहाँ पर डिलीवर हो जाएगा। तो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी प्राइस में अप डाउन आएगा, रीजनेबल प्राइस मिलेंगे, तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। बट मेरा अगर सजेशन या रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं, तो अभी आईफोन 15 प्रो मैक्स या 15 के कोई भी लाइनअप में हाथ नहीं डालिएगा। अगर बात करें कि 15 आने के बाद क्या प्राइस ड्रॉप आएगा नीचे वाले आईफोन में, तो उसके ऊपर वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब अगेन कर लें ताकि आप वो वाली वीडियो भी मिस ना कर पाएं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, या आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं मुझे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।